नमस्कार, इस वीडियो में हम कक्षा 5 की ईवीएस की पाठ्यपुस्तक से पाठ 14 पानी के खेल के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। सभी प्रश्नों को याद करते हुए आप सभी कॉपी में अवश्य लिखें। प्रश्न 1, पानी की कितनी अवस्थाएं हैं? ठोस, तरल, गैस, उपरोक्त सभी। जैसा कि आपको कक्षा में याद करवाया गया है कि पानी की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, तरल, गैस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा विकल्प घ, उपरोक्त सभी। ठोस, तरल, गैस, ये तीनों पानी की अवस्थाएं हैं। प्रश्न नंबर 2 है, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील सांभर है। यहाँ से भारत का 9% नमक प्राप्त होता है। यह झील किस राज्य में है? और इसके लिए विकल्प हैं राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सही उत्तर होगा विकल्प क, राजस्थान। अगर आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता है तो उसको मुझसे पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। प्रश्न नंबर 3 है, गांधी जी ने 1930 में अहमदाबाद से डांडी तक पैदल यात्रा की। यह यात्रा किसके लिए थी? यहाँ पर देखिए विकल्प दे रखे हैं, आज़ादी के लिए, भोजन के लिए, नमक के लिए, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प ग, नमक के लिए। गांधी जी ने 1930 में अहमदाबाद से डांडी तक पैदल यात्रा की। यह यात्रा नमक के लिए थी। और ये प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि गांधी जी ने नमक के लिए कहाँ से कहाँ तक पैदल यात्रा की, कहाँ से कहाँ तक की, अहमदाबाद से डांडी तक, और कब की? 1930 में थी। और यह यात्रा किसके लिए है? ये नमक के लिए थी। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित पदार्थ को हम लीटर में मापेंगे। इसके लिए विकल्प हैं सरसों का तेल, दाल, चावल, आलू। यहाँ पर देखिए लीटर में मापने के लिए हम किन पदार्थों को मापते हैं? जो तरल पदार्थ होते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर होगा विकल्प क, सरसों का तेल। सरसों के तेल को हम लीटर में मापेंगे। बाकी के जो दाल, आलू और चावल हैं वो ठोस पदार्थ हैं, इनको हम किलोग्राम में मापेंगे। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित को हम किलोग्राम में मापेंगे। पेट्रोल, डीजल, तिल का तेल, गेहूँ। जैसा कि ऊपर आए प्रश्न में हमने चर्चा की कि जो तरल पदार्थ हैं उनको हम लीटर में मापेंगे और जो ठोस पदार्थ हैं उनको हम किलोग्राम में मापेंगे। तो यहाँ पर देखिए पेट्रोल, डीजल और तिल का तेल तीनों ही लिक्विड हैं, यानी कि तरल हैं, तो इनको हम लीटर में मापेंगे, लेकिन गेहूं को हम किलोग्राम में मापेंगे। विकल्प घ हमारा सही उत्तर होगा गेहूं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।